लोकतंत्र के सार्वभौम सदन में मैं खड़ा हूं इसलिए नहीं कि मैं निर्दोष हूं या नहीं। लाखों लोगों ने चुनकर दिए गए एक जनप्रतिनिधि से एयरलाइंस के कर्मचारियों ने कैसा दुर्व्यवहार किया और सारी संसद के गुनहगार ठहराने की कोशिश कैसे हो रही है ये बताने के लिए मैं खड़ा हूं। अपेक्षा यह है कि आखिर सत्य की विजय इस संसद में तो हो। यह संसद जनक्षोभ प्रकट कर रही है और उसे न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। अध्यक्षा जी, मैं आपको आपका बहुत आदर करता हूँ, आप हमारी कस्टोडियन है, मेरे लिए तो आप माँ जैसी है, इसलिए मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या अपराध है कि जो उसकी जांच किए बिना मीडिया ट्रायल शुरू है। महोदया, 23 मार्च 1917 को पुणे से दिल्ली A1852 ये फ्लाइट से मैं दिल्ली सदन में अधिवेशन के लिए उपस्थित रहने के लिए आ रहा था। मेरा बिजनेस क्लास टिकट था लेकिन उधर इकोनॉमिक में मुझे बिठाया गया, उसका भी झगड़ा मेरा नहीं है। मेरा 1F टिकट था, उधर एक विकलांग सीनियर सिटीजन को मेरा सीट दिया और उनके जगह पे 2F पे मैं बैठा, लेकिन एयर इंडिया ने मैं सीट के लिए झगड़ा किया, मैंने मारा, ऐसा उठाया, ये गलत बात है। और इकोनॉमी रहने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था, मैं इकोनॉमी से उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद जब मैं उतरते टाइम शांति से वो क्रू को पूछा कि मुझे कंप्लेन बुक दो, उन्होंने कहा कि यहां कंप्लेन बुक नहीं है, उसने लिख के लिया, मेरे जो कंप्लेन है वो लिख के लिए। और उसके ऊपर एक ऑफिसर आया, वो बोला कि आप कौन है, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला आप क्या CMD हो, आपके ड्रेस कोड से तो लग रहा है कि आप बैग उठाने वाले हो, बराबर? वो बोला बराबर। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर आया, उसके बाद में तीसरा ऑफिसर आया, उसमें वो ऑफिसर आने से बहुत टाइम लेट हो गया। उसके बाद में मैंने उनसे विनती की आप कौन हो, आपका नाम दो, मोबाइल नंबर दो, मैं ट्रायल देखता हूँ तुम्हारा नंबर है क्या नहीं, वो नंबर है रिंग बजा तो मैं जाऊंगा, बाद में मुझे चाहे जवाब देना है दो, या कंप्लेन बुक का मेरे को पर्ची दो, मैं तो जाऊंगा ना। तो कोई भी वहां आने को तैयार नहीं था। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया, मैंने उन्हें कहा कि आप शांति से बात करिए, मैं आपके साथ शांति से बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका, उल्टा उसने आप क्या हो ये सवाल पूछा। मैंने शांति से पूछा आप क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं। मैंने कहा कि मैं MP हूं, तो वह चिल्ला कर बोला MP हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या? ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। मैडम जी, उसको मैंने ढकेल दिया। देश की संसद और संसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की, इसके वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध है, हुआ तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये सच्चाई है। एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने भी बयान दिया, 2 दिन के बाद मीडिया को बयान दिया, ये सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई, इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है। एयर होस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार गाली गलौज करने वाले आज बेगुनाह गुनहगार समझकर घूम रहे हैं और मुझे एयर इंडिया की नहीं सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगाकर मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूँ। महोदया, मैं टीचर हूँ, विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार से प्रभावित होकर शिवसैनिक बना हूँ। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है संसद में जाकर कहो कि यदि मेरे व्यवहार में संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूँ। संसद की क्षमा मांगता हूँ, वो अफसर की नहीं।
अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि मुझ पर FIR दाखिल हुआ है। आपको जानकर अजब होगा कि महोदया मुझ पर IPC 308 कलम से लगाया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या हथियार थे मेरे पास? क्या मारा है मैंने उस अफसर को? क्या मेडिकल में हुआ है? हथियार को था हमें ले जाने दे गया? अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया कैसा दिल्ली पुलिस ने, ये मेरा खड़ा सवाल है। वो भी MP के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये घटना होके आज 8 दिन हुआ, फिर भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर चालू ही है। और मेरी विनती आपसे कि 308 कलम हटाने की आवश्यकता है। ये तो अंधा कानून हुआ इस देश में। हमने सुना था अंग्रेज अंधा कानून चलाते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सामान रेलवे से नीचे फेंकने वाले अंग्रेज लोग, पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को वीसा नाकारने वाली अमेरिका, और एक तरफी मुझ पे बयान लगाने वाली एयर इंडिया वो विमान कंपनियां, इनमें एक तरफी अन्याय प्रक्रिया और सामूहिक दबाव तंत्र की समान पात्रता है। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते वक्त, कोई भी किसका भी टिकट निकालता है, मेरा बयान आने के बाद मेरे नाम से 7 टिकट निकाले गए। कौन निकाला मुझे पता नहीं। और कुछ मीडिया ने मेरे नाम से ये आ रहा था यहाँ से वहां, क्या आ रहा है? मैं गया ही नहीं, कहा मीडिया ढूंढ नहीं पाए मुझे 8 दिन तक। मैं भी शिवसैनिक हूँ, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने शिवशाही में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से कैसा गनीमी कावा से लड़ना, ये हमको सिखाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते समय आधार कार्ड वोटर ID कंपलसरी करने की आवश्यकता है। बाहर के टेररिस्ट आ रहे हैं अंदर किसके भी नाम से, वहां बुकिंग के टाइम वो लिया जाता नहीं, उसके ऊपर कानून होने की आवश्यकता है, वो कानून किया जाए। इतना ही मैं आपके सामने कहता हूँ महोदय। सुरक्षा जांच के बाद उड़ान में आसनस्थ यात्री कौन या शस्त्र लेकर अंदर जाता है कि जिससे किसी के जान को खतरा पहुंच सकता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए। और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया, एयर इंडिया ने किया, उसके साथ में मिलीभगत करने वाली जो कंपनियां है, उन्होंने जो मेरे ऊपर अन्याय किया, उन पर तुरंत कार्रवाई करे। खास करके एयर इंडिया के CMD जिन्होंने बिना जांच किए सोशल मीडिया पर मेरी ही नहीं सारे संसदों की बदनामी की है। और आखिरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी उठाई जाए, तुरंत उठाया जाए। और आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि अन्यायकारक मेरे ऊपर जो 308 कलम लगाया वो हटाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुड़ा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होलेस्टीन फ्रीजियन ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।